हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में हम पढ़ रहे थे वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण में हम लोग इंट्रोडक्शन वैश्वीकरण का कर चुके थे। इसमें से पहला प्रभाव हमने देखा वैश्वीकरण का, राजनीतिक प्रभाव। इसका एक भाग हम पढ़ चुके थे कल वाले वीडियो में। दूसरा भाग आज यहाँ, और वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव यहाँ समाप्त हो जाएगा। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय राज्यों को कमजोर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों को कमजोर की यदि हम बात करें तो हमने ये देखा कि पहले राष्ट्रीय राज्य मजबूत हुआ करते थे। मजबूत होने के पीछे कारण क्या था कि इनकी सीमाएं ब्लॉक थी, इनमें कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था। अपने स्वच्छ नियंत्रण में ये अपने आप को रखते थे। एक प्रकार से देखें तो राष्ट्र बेहद मजबूत हुआ करते थे। वो एक अलग बात है कि इन्हें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ऐसी स्थिति में, लेकिन आज दुनिया का कोई राष्ट्र ऐसा संभव ही नहीं है कि वो अंतरराष्ट्रीय धरातल पर ना जुड़े। क्यों? क्योंकि हर हाल में उसे किसी न किसी देश के साथ कोई ना कोई व्यापार करना होगा, कोई ना कोई उसकी जरूरत ऐसी जरूर है जो अपने पड़ोसी से पूरी होगी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो पड़ोसी से संबंध जोड़ेगा, पड़ोसी से संबंध जोड़ेगा तो सीमाएं खुलेंगी, और सीमाएं खुलेंगी तो व्यापार बढ़ेगा, एक दूसरे में समस्या भी आना जाना शुरू होंगी। प्रॉब्लम्स कब आ रही है? जब व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार से पड़ोसी का प्रेशर भी आप पर बढ़ेगा, पड़ोसी की कुछ ना कुछ पॉलिसी भी आपको माननी पड़ेगी, पड़ोसी का ना चाहते हुए सहयोग भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट इसमें आएगा। तो राष्ट्रीय राज्य की जो स्थिति है, मजबूत सुदृढ़ राष्ट्र का एकीकरण की बात करें हम लोग, अंतरराष्ट्रीय धरातल पर कठोर निर्णय की बात करें तो हम नहीं ले सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, उन्नीस से 1991 तक अमेरिका हमारे विरुद्ध की पॉलिसी में था। ये देखें 1971 में तो इसने हमारे विरुद्ध जंगी जहाज बेड़ा ही भेज दिया था, जंग के लिए जहाज बेड़ा, जैसे अभी चाइना के विरुद्ध भेजा है वैसा एक मुकाम हमारे खिलाफ भेज दिया था। 91 में जाकर ये हमारा समर्थन करने लगा, 99 में फिर इसने साथ नहीं दिया, और 2005 के आसपास मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में जो 2009 में बाद में समझौता हुआ 123 परमाणु समझौता, अब जाकर इन्होंने हमारा समर्थन करना क्या किया है, शुरू किया है। तो राष्ट्रीय राज्यों की कमजोर स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि हम एक दूसरे से व्यापार को बढ़ा रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने के कारण कहीं ना कहीं हमें एडजस्टमेंट भी करना होता है। जिस देश से हम व्यापार करते हैं, जिस देश से हम लोग साथ लेकर चलते हैं, उस देश के साथ हम लोग एडजस्टमेंट के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है। तो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव बहुत भयंकर पड़ते हैं। जैसे हमने सोवियत संघ का एग्जाम्पल पिछले वीडियो में देखा था कि जब नेहरू सोवियत संघ में मिलने गए आजादी के साथ, आजादी के बाद नेहरू जी कहां गए? सोवियत यूनियन गए। तो वहां के राष्ट्र प्रमुख ने शर्त रख दी कि पहले साम्यवाद अपनाओ। क्या अपनाओ? साम्यवाद अपनाओ, उसके बाद मैं आपसे मीटिंग करूंगा। तो ऐसी स्थिति में कि साम्यवाद यदि भारत अपनाता है तो सीधे ही किसके पीछे आ गया? ये सोवियत संघ के पीछे आ गया। तो सोवियत संघ के दुश्मन हमारे भी दुश्मन हो गए, अमेरिका भी हमारा ऑटोमेटिकली दुश्मन हो गया ना चाहते हुए, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती। तो राष्ट्रीय राज्यों की कमजोर स्थिति किसमें होती है? राजनीति के वैश्वीकरण के राजनीतिक स्थिति में होती है, ना चाहते हुए भी उस देश का समर्थन हमें करना पड़ता है। जैसे भूटान, हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमने भूटान को आश्वासन दे रखा है कि जब भी उसे अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर कोई भी समझौता करना होगा, कोई भी फैसला करना होगा तो भारत उसकी लीडरशिप करेगा। पहले श्रीलंका के साथ भी हमने ऐसा समझौता करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, नेपाल भी कई बार हमारे साथ आए लेकिन नहीं कर पाए इसके साथ, लेकिन भूटान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। डोकलाम में यही स्थिति थी, डोकलाम मुख्य विवाद भूटान और चीन का है, लेकिन वो ट्रायंगल बनने के कारण और भूटान के द्वारा भारत से अपील करने के कारण ऐसी स्थिति हमारे यहाँ आई। तो पहला बिंदु यहाँ कंप्लीट होता है कि राष्ट्रीय राज्य जो मजबूत सुदृढ़ राष्ट्र नीति होती है वो हम लोग
वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है, और वो मजबूत स्ट्रांग निर्णय हम अब नहीं ले पाएंगे। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। इसमें एक उदाहरण हम और देख सकते हैं, जब भी अमेरिका किसी देश पर हमला कर रहा था 2003 से पहले, तो भारत खुलकर विरोध कर रहा था, लेकिन सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौरान ऐसी बहुत सारी घटनाएं की, उस मामले में भारत ने कभी सोवियत संघ का खुलकर विरोध नहीं किया, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, फॉरेन पॉलिसी में सहयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर सहयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में हम सोवियत संघ के खिलाफ कभी भी नहीं गए। नए राष्ट्रों का उदय। अब यहां आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्रांतियों का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है, जैसे अमेरिका की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, इंग्लैंड की क्रांति हुई, यहां से बहुत सारे लोग दूसरी जगह गए, दूसरी जगह गए तो वहां जागृति आई, शिक्षा आई, आंदोलन हुए, लोकतंत्र की मांगे बढ़ी, और ऐसा प्लान बनने लगा कि कहीं ना कहीं हम भी क्या बनाएंगे, एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, गुलाम देश को हटाकर, तानाशाही व्यवस्था को हटाकर, साम्यवाद, कम्युनिस्टवाद को हटाकर, फासीवाद को हटाकर, एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें जनता का शासन हो। तो इसके कारण क्या बने, नए राष्ट्रों का क्या हुआ, उदय हुआ। और ऐसी स्थिति में जो नए राष्ट्र बने उन्हें कहा गया नव उदित राष्ट्र। इसे नवोदित भी कहते हैं। क्या कहा गया? नवोदित राष्ट्र, इन्हें नवोदित भी कहते हैं। इन राष्ट्रों में प्रॉब्लम क्या आई? इन राष्ट्रों में प्रॉब्लम आई नए कानून बनाने की, इन राष्ट्रों में प्रॉब्लम आई पॉलिसी की, पॉलिसी कैसी हो, अमेरिका के साथ जाएं या पिछड़े हुए देशों के साथ जाएं, कौन सी नीति निर्माण हो, किस प्रकार का शासन हो, ये सारी समस्याएं इनके सामने थी। फिर पश्चिमी विचारों को बढ़ावा। अब आप देखें वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई वही पश्चिमी विचारों को बढ़ावा मिला। इसका कारण क्या था कि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अमेरिका ही एक महाशक्ति के रूप में निकल कर आया 1991 के बाद, और अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया, अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि हमसे बेस्ट कोई भी नहीं है, हम बहुत स्टैंडर्ड के लोग हैं, बहुत उच्च संस्कृति के लोग हैं, और हमारा अनुसरण पूरी दुनिया को करना चाहिए। इस प्रकार से संस्कृति को पेश किया गया कि ये संस्कृति सबसे अच्छी है, बच्चा जो देखता है वही करता है। आज यदि हम सीरियल्स को देखें, आज हम हमारी टेलीविजन को देखें, हमारे मीडिया को देखें, हमारी मूवीज को देखें, तो उसमें नजर क्या आता है? पश्चिम नजर आता है। उसमें क्या नजर आता है? पश्चिम नजर आता है। और पश्चिम हम किसे मानते हैं? अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों को मानते हैं। वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डाइनिंग टेबल, पिज्जा, बर्गर, फॉरेन कल्चर, पश्चिमी कल्चर की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं ये विचार भरकर आते हैं। हम चाहते हुए भी इन विचारों को नहीं रोक पा रहे हैं। हमारी पॉलिसी जो बनेगी राजनीतिक आधार पर, हमारा जो राजनीतिक कल्चर बन रहा है, सांस्कृतिक कल्चर का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया, लेकिन मैं राजनीतिक कल्चर की भी बात करूंगा यहाँ पर। जैसे वहां पर सरकारों की स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, पश्चिम में बहुत ज्यादा सरकारों की स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, कहीं ना कहीं समझौतेवादी राजनीति पाई जाती है, गुटबाजी पाई जाती है, दल समूह बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये सारी विचारधारा अन्य देशों में भी जा रही है, और इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? वहां दमनकारी राजनीति पाई जाती है, ब्लैकमेलिंग सिस्टम पाया जाता है राजनीति में, पार्टीबाजी को ब्लैकमेल किया जाता है, गुटबाजी की जाती है, प्रशासन पे प्रेशर बनाया जाता है। ये सारे प्रभाव राजनीतिक प्रभाव का ही उदाहरण है, यानी कि वहां जिस प्रकार की राजनीति होगी उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर नजर आता है। अमेरिका अपने आप को इस तरीके से पेश करता है कि दुनिया में उससे अच्छा कोई भी नहीं है। जैसे अमेरिका का अभी एक मैगजीन में छपा था कि बहुत सारे लोगों के खाना खाने के लिए समय नहीं है। एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता है, उसमें कार एक तरफ आके रुकती है तो टोकन लेती है, और लगभग आधा किलोमीटर जाकर जब उसका दूसरा गेट होता है तो वहां तक उसकी डिलीवरी तैयार मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, हिंदुस्तान में कहावत है पेट के लिए ही कमाया जाता है, यानी कि हेल्थ के लिए कमाया जाता है, पेट का मतलब खाने से नहीं है,
स्वास्थ्य के लिए कमाया जाता है, विकास के लिए कमाया जाता है, सुसंगति के लिए कमाया जाता है, संस्कृति के लिए कमाया जाता है, देश के लिए कमाया जाता है और सबका हित सर्वोपरि होना चाहिए। जबकि अमेरिका के विचार हमसे 100% अलग हैं, कहीं ना कहीं वो डिफरेंट वर्जन के हैं और ये कहीं ना कहीं हमें अलग विचारों की तरफ मोड़ रहे हैं। 91 से विश्व शांति की शुरुआत हुई। राजनीति में ये भी एक बहुत बड़ी घटना हुई वैश्वीकरण के कारण। कल शुरुआती जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वैश्वीकरण का, उसमें हमने ये देखा था कि विश्व के कितने दूर थे, दो, एक सोवियत संघ था और एक अमेरिका। यहाँ आपको एक छोटी सी बात उस टाइम रह गई थी, ये आपको देखनी है। हम बात करते हैं पहली दुनिया, तो ये कहलाता है अमेरिका। दूसरी दुनिया, तो ये है साम्यवादी सोवियत संघ और रशिया वाले। और तीसरी दुनिया जो पिछड़े राष्ट्र है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी ऐसे सवाल कई बार पूछ लेती है, हमारे तो ऐसा नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना है कि ऐसी स्थिति हमारे साथ भी हो सकती है। पहली दुनिया की यदि कोई बात आ रही है तो किससे जुड़ी हुई है, अमेरिका से जुड़ी हुई है। यदि पहली दुनिया की यदि बात होती है तो किसकी हो रही है, अमेरिका की हो रही है। दूसरी दुनिया की बात हो रही है तो पूर्वी यूरोप, हमने बात की थी पश्चिमी यूरोप अमेरिका, पूर्वी यूरोप सोवियत संघ, और फिर तीसरी दुनिया के तो पिछड़े देश हैं, ये तीसरी दुनिया कहलाती है। इसमें यदि हम आगे देखें, इक्रम 91 में सोवियत संघ का विघटन हुआ 25 दिसंबर को। ये हम जानते हैं कि 25 दिसंबर 1991 को क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ और यहां से एक नई शांति की शुरुआत हुई। जो शीत युद्ध चल रहा था, भयानक स्थिति थी, 25 दिसंबर 91 को सोवियत संघ का विघटन हुआ और विश्व में एक नई शांति आई। आपको पता है कल हमने बात की थी 1945 से लेकर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला। शीत युद्ध में भयानक स्थिति थी, बहुत भयंकर तनाव का माहौल था और शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु, या यूं कहें कि ऐसी स्थिति जिस समय युद्ध होने ही वाला था, वो था 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। कौन सी स्थिति थी, क्यूबा मिसाइल संकट। अब ये क्या था, क्यूबा अमेरिका से लगा हुआ एक द्वीप था और इस द्वीप पर कब्जा किसका था, सोवियत संघ का। हम जानते हैं कि दो धुर कौन से थे, सोवियत संघ और अमेरिका। आपको ये भी ध्यान रखना है अमेरिका केवल एक धुर का समर्थन करने वाला देश है, सोवियत संघ दो धुरों की बात करता है। और भारत कहता है कि शक्ति के केंद्र बहुत सारे होने चाहिए और बहुधुरीय व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय धरातल पर होनी चाहिए। क्यूबा क्या है, एक जगह का नाम है जहां अभी वर्तमान में अमेरिका का सैनिक अड्डा भी है, युद्ध बंदियों को इसने यहीं पर रखा था। बराक ओबामा ने भी यहां की यात्रा की थी, फिर बाद में बहुत विवाद भी हुआ था। क्यूबा एक द्वीप है, ये द्वीप कहां लगा हुआ है, अमेरिका के किनारे पे लगा हुआ है, अमेरिका के बहुत नजदीक है। लेकिन इस द्वीप पे कब्जा किसका था, सोवियत संघ का। सोवियत संघ ने चुपचाप ही यहां पर मिसाइल तैनात कर दी, परमाणु मिसाइल। जैसे ही ये बात 15 दिन बाद में अमेरिका को लगी तो अमेरिका ने जंगी जहाज बेड़े रवाना कर दी किसकी तरफ, सोवियत संघ की तरफ, और सोवियत संघ ने भी अपने जंगी जहाज बेड़े भेज दिए। एक टकराव वाली स्थिति आने वाली थी, उससे पहले ही सोवियत संघ ने अपने जंगी जहाज बेड़े वापस ले लिए, नहीं तो भयंकर युद्ध की स्थिति होती। अब यहां से एक सवाल और बनता है, भारत ने 62 में ही युद्ध चीन से क्यों झेला। चीन ये अच्छे से जानता था कि पूरी दुनिया कितने भागों में बटी हुई है, दो भागों में, और तनाव में झूल रही है, पूरा विश्व युद्ध होने की स्थिति में है। कौन सा, तीसरा विश्व युद्ध, कब की स्थिति, 62, और चीन ने इसका फायदा उठाया और भारत पर शक्ति प्रदर्शन कर दिया। इसलिए मैं शक्ति प्रदर्शन कह रहा हूं क्योंकि चीन ने आगे बढ़कर तो क्या किया, हमला, और फिर खुद ही पीछे हट गया।
यदि उसे कुछ हासिल करना था तो युद्ध को आगे बढ़ाता। भारत ने समर्पण किया नहीं, चीन ने कहीं कुछ हासिल किया नहीं, और इस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करना, ये एशिया में शक्ति प्रदर्शन करना अपने आप को स्थापित करने के लिए ही था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सीज युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा गया है, क्यूबा मिसाइल संकट को कहा गया है। ये कब हुआ था, 1962 में हुआ था, जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के आ गए थे, आमने सामने आ गए थे, किसको लेकर, परमाणु मिसाइल को लेकर। ऐसी बहुत सारी घटनाएं विश्व में सोवियत संघ विघटन से पूर्व हुई, लेकिन 91 के बाद दुनिया में एक ही महाशक्ति बची और उसका नाम क्या था, अमेरिका। इसलिए अंतरराष्ट्रीय धरातल पर बहुत शांति का माहौल हो गया और ऐसा लगने लगा कि अब विश्व अमेरिका के वर्चस्व में शामिल हो जाएगा। यहाँ से अमेरिका का क्या निकल कर आया, वर्चस्व निकल कर आया, ये भी ध्यान रखना। और 91 के बाद व्यवस्था कैसी हो गई, केवल एक ध्रुवीय हुई। थोड़ा सा आपको यहाँ पर और ध्यान देना होगा, अगर दूसरे विश्व युद्ध से पहले की बात करें, दूसरे अपने 1945 के बाद का सिलेबस शुरू होता है, 1945 के बाद की बात करें तो दुनिया में कितने ध्रुव थे, दो। 91 के बाद कितने हो गए, एक। दुनिया 91 के बाद कितने ध्रुव में बदल गई, एक ध्रुव में। वर्तमान में दुनिया किस तरह बढ़ रही है, बहुध्रुव की तरफ। ब्राजील है, इंडोनेशिया है, भारत है, रशिया है, जापान, चीन, ब्रिटेन, शक्ति के केंद्र एक से क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, रशिया है। तो कहीं ना कहीं हम जो अमेरिका की इतनी दादागिरी नहीं है जितनी पहले थी, इसका मतलब शक्ति के केंद्र क्या हो रहे हैं, एक से ज्यादा। तो ये भी यहाँ पर बिंदु समाप्त। फिर खुलेपन की नीतियां, आपने देखा होगा शीत युद्ध के समय ऐसी स्थिति थी कि पॉलिसी इस तरीके से बनती थी कि कहीं किसी को पता ही नहीं लगता था, और स्थिति यहाँ तक खराब थी। जैसे मैंने क्यूबा मिसाइल संकट का अभी उदाहरण लिया, राजनीतिक धरातल पर देखें तो एक देश दूसरे देश से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेयर करता है, लेकिन शीत युद्ध के समय इतनी खतरनाक पॉलिसी थी कि यदि कोई छोटा मोटा बम भी गिर जाए तो युद्ध हो जाए। क्यों, इतना भयंकर तनाव था, एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्कुल था ही नहीं। राजनीतिक गलियारों में शीत युद्ध के बाद या वैश्वीकरण के बाद यहाँ पर खुलेपन की नीतियां, एक दूसरे देश पे ट्रस्ट किया जाने लगा, कहीं ना कहीं भरोसा होने लगा। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अमेरिका ने और रशिया ने जो अंतरिक्ष वार खेला या अंतरिक्ष में जाने का जो सिस्टम किया, वो कहीं ना कहीं गुपचुपी था। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि अमेरिका चांद पर गया भी था या नहीं, क्योंकि तो उसको लेकर भी बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि अमेरिका ने पहले इसकी घोषणा नहीं की थी। रशिया के भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जिनका दुनिया कुछ जान ही नहीं पाई कि क्या हुआ उनका रिजल्ट और कैसे किया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के छुपे हुए कारनामे थे। एक दूसरे की सेनाओं को कहां अड्डे बना रखे ये भी किसी को पता नहीं था। इसके बाद वैश्वीकरण के बाद खुलेपन की नीति आने लगी, एक दूसरे की पॉलिसी हम जानने लगे, एक दूसरे के सैनिक अड्डों के बारे में जानने लगे, एक दूसरे की नीतियों के बारे में जानने लगे, और कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में हम लोग जानने लगे। यानी कि राजनीति का खुलापन यहाँ से हमें देखने को मिला। विश्व बैंक, IMF, WTO, इन सब में भी क्या आया, बदलाव आया। मोस्टली यदि देखा जाता है तो इन पर नजर आता है पश्चिमी दुनिया का। विश्व बैंक, IMF, WTO और एक नाम इसमें और जोड़ दें, UNO, तो इन सब पर ज्यादातर प्रभाव किसका नजर आता है, अमेरिका का ही नजर आता है। ये अमेरिका की पिछलग्गू संस्थाएं थी, तो ये अंतरराष्ट्रीय धरातल पर सहयोग इसमें सबका था, सदस्य भी इसमें सब थे, लेकिन कहीं ना कहीं दादागिरी किसकी चलती थी, अमेरिका की। क्यों चलती थी, सोवियत संघ का तो विघटन हो गया था, तो सोवियत संघ तो चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर बचा कौन, अमेरिका। तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं ऐसे योजनाएं बनाई, ऐसे नियम बनाए जिससे केवल और केवल वर्चस्व किसका हो सके, अमेरिका का ही हो सके, अमेरिका के सामने कोई टिक ही नहीं पाए। इस प्रकार से इन संस्थाओं को, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को इन्होंने टैकल किया। जैसे विश्व बैंक की बात करें तो कहीं ना कहीं विश्व बैंक उन्हीं लोगों को कर्जा देता था जिसमें अमेरिका का समर्थन होना जरूरी। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फेडरेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी यदि हम बात करें तो ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं मुद्रा कोष था, सहायता करता था, लेकिन इसमें भी दोहरा भाव था, भेदभाव की नीतियां थी।
WTO हम जानते हैं, ये किसकी पूर्वगामी संस्था है? गेट की। गेट जब असफल हुआ तो उसके बाद कब बना? 1995 में क्या बना? WTO बना। लेकिन WTO की नीतियां हमेशा किसको आगे बढ़ाने को रही? पश्चिम को आगे बढ़ाने वाली रही, अमेरिका के समर्थित राष्ट्रों को आगे बढ़ाने वाली रही, जिससे पिछड़े और सोवियत संघ के राष्ट्र इन पे ट्रस्ट कम करने लगे। लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण के बाद इनकी नीतियों में खुलापन आया, इनकी नीतियों में सुधार हुआ, ये अंतरराष्ट्रीय धरातल पर खुलकर आने लगे, लोग बाग इन पे ट्रस्ट करने लगे और ये पूरी दुनिया के लिए काम करने लगे। उतनी मात्रा में ये पिछलग नहीं बचे जितने शीत युद्ध से पहले थे, शीत युद्ध के टाइम ये थे या जब ये बने शुरुआती दौर में तब थे। फिर संघर्ष की जगह विकास, पर्यावरण और प्रतियोगिता। यदि हम वैश्वीकरण से पहले देखें, अब आपको ये भी सवाल उठ रहा होगा कि वैश्वीकरण आया कब? तो वैश्वीकरण आता है 1991 के बाद। इसको उदारीकरण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हम रख सकते हैं? उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसका और नाम हो सकता है भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण। ये तीनों नाम एक ही हैं। आपसे सवाल पूछ सकता है भूमंडलीकरण का राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो भूमंडलीकरण भी क्या है? वैश्वीकरण ही है। उदारीकरण भी अगर देखा जाए, उदारवाद हमने पढ़ा है अलग से, लेकिन उदारीकरण नियमों में खुलापन, तो कहीं ना कहीं ये वैश्वीकरण को ही क्या करता है? इनडायरेक्ट। लेकिन 100% अर्थ ये नहीं बैठता है, 100% अर्थ बैठता है भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये एक ही पहलू के अनेक अनेक नाम हैं। नियमों में छूट वैश्वीकरण ही कहलाता था, लेकिन उदारीकरण हम इसे इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं। हुआ क्या? शीत युद्ध में हमने देखा बहुत भयंकर संघर्ष पाया जाता था, स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। इसके बाद जब वैश्वीकरण आया तो इस संघर्ष को हमने किसमें बदल दिया? विकास में बदल दिया, पर्यावरण संरक्षण में बदल दिया, प्रतियोगिता निकल कर आई, एक दूसरे का तनाव वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन ये तनाव सैन्य तनाव की जगह विकास का तनाव हो गया कि हम उनसे आगे बढ़ेंगे, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य, रोजगार, चिकित्सा, बहुत सारे डेवलपमेंट, अंतरिक्ष प्रोग्राम, इन सब में हम आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष था, जो तनाव था, वो युद्ध की तरफ जाने की बजाय पॉजिटिवनेस की तरफ जाने लग गया और वैश्वीकरण में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ मच गई, एक दूसरे से विकास में आगे निकलने की होड़ मच गई, एक दूसरे के जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करने लग गए। हमारा स्टैंडर्ड, हमारा विकास, हमारी टेक्नोलॉजी कितने आगे जाएगी, इसकी होड़ इसमें लग गई। इसमें फिर आपसी सहयोग की बढ़ावे की बात करें तो वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को क्या कर दिया है? एक तरीके से खत्म ही कर दिया है। आज पूरी दुनिया एक हो चुकी है, पूरी दुनिया की सीमाएं बची ही नहीं है, एक दूसरे के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। युद्ध लड़ेंगे तब भी हम व्यापार को आसानी से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया की सीमाएं एक दूसरे से आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि यूएनओ के लगभग सभी राष्ट्र सदस्य हैं। यूएनओ के कुल सदस्य की वर्तमान संख्या है 193, और जो बाकी इसके सदस्य नहीं हैं, वे भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर कोई भी राजनीतिक फैसला होता है तो पूरे देशों पर एक साथ इसका प्रभाव पड़ता है।